के मार्ग पर संत महान चले, संत संग यीशु के साथ हम भी चले, संतों के साथ हम भी चले, संतों के साथ, संतों के साथ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब माता कलीसिया के साथ मिलकर क्रूस की विजय का पर्व मनाते हैं। क्रूस क्रिश्चियों के लिए एक मार्ग है जिस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समस्त संसार के मुक्ति हेतु निछावर कर दिए। क्रूस निस्वार्थ प्रेम व विजय का प्रतीक है। वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रोगों, शैतानी शक्तियों व पापों के फंदों से हमें बचाता है। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पर संख्या 31 लेकर 32 में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। कहा जाता है और इतिहास भी गवाह देती है कि क्रूस की विजय का पर्व सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के सन 300 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। उनकी माता, जिनका नाम था हेलेन, वह एक क्रिस्तीय भक्त महिला थी। यीशु में उनका गहरा विश्वास था। वह रोज यीशु मसीह से प्रार्थना किया करती थी। वह अपने प्रेम को प्रभु यीशु के प्रति दिखाने के लिए कलवारी पहाड़ की चोटी पर एक भव्य गिरजाघर बनाने का आदेश दिया। जब गिरजाघर बनाने के लिए नींव की खुदाई हो रही थी तो उसमें से कई क्रूस प्राप्त हुए। उन क्रूसों को एक स्थान पर रखा गया। एक दिन एक महिला अपने बीमारी के कारण मरने वाली थी, लेकिन जब उसने उन क्रूसों में से एक विशेष क्रूस को जैसे ही छुई तो वह भली चंगी हो गई। उसका रोग दूर हो गया और तभी से उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र क्रूस माना जाने लगा और तभी से पवित्र क्रूस की विजय का पर्व पूरे संसार भर में फैल गया। पवित्र क्रूस ईसाई धर्म के अनुसार मुक्ति का प्रतीक है। छोटे से लेकर बड़ों तक क्रूस का निशान बनाते हैं। जो क्रूस अपमान का प्रतीक माना जाता था, प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने से वह क्रूस मुक्ति का कारण बन गया। संत लियो महान कहते हैं, यीशु मसीह का क्रूस कृपा का स्रोत है। वह ऐसी झरना है जो विश्वासियों के कमजोरी में बल, लज्जा में गौरव और मृत्यु में जीवन प्रदान करती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज अपने विश्वास को मजबूत करना है, पवित्र क्रूस की शान को हर एक जन में फैलाना है, क्रूस को मरते दम तक गले लगाना है, क्योंकि क्रूस में ही हमारी मुक्ति है, क्रूस में ही हमारा जीवन है, क्रूस से ही हम शत्रुओं व शैतानी शक्तियों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और क्रूस से ही हमारी आत्मा, हृदय व मन में शांति मिल सकती है। प्रत्येक दिन का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। क्रूस उठाकर चलने का तात्पर्य है स्वार्थ का त्याग करना, पाप से हर वक्त संघर्ष करना और पवित्र क्रूस के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में रोपना। यही आज का त्यौहार हमें सिखाता है।